ये बना हुआ है पत्थर से, ये सारे पत्थर से बने हुए हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली के उत्तरायणी मेले में। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल। सो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बरेली से, और आज हम लोग जा रहे हैं हम लोग मेले में जा रहे हैं उत्तरायणी मेले में। अब आप कह रहे होंगे बरेली में, क्योंकि जैसे उत्तरायणी मेला तो बागेश्वर अल्मोड़ा साइड लगता है, लेकिन हमने सुना है कि बरेली में भी उत्तरायणी मेला लगा है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आज हम भी जाएँ कि मेला सच में लगा है कि नहीं लगा है। तो अभी कन्फर्म नहीं है कि लगा है या फिर नहीं लगा, फिर भी हम लोग एक बार जाते हैं मेले में। कैसा लग रहा बरेली में का मेला? हम कभी गए नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हाँ मेले में। बाकी देखते हैं कि वहाँ पर कैसा रहता है मेला और कितना डिफरेंस है कपकोट बागेश्वर के मेले में और यहाँ के मेले में। सो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। आप आज मेले में जा रहे हैं हम लोग यहाँ बरेली के। बाकी मौसम बहुत बेकार हुआ है, बहुत ठंड है और कोहरा है चारों तरफ, और हम ऐसे मौसम में जा रहे हैं मेले में। कैसा लग रहा है? हाँ, आज बरेली का उत्तरायणी भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसा कि आपको हमारे कपड़ों से पता चल रहा होगा और मौसम से पता चल गया होगा। चारों ओर यहाँ पर कोहरा ही कोहरा है, मतलब आज भी हमने पिंक पिंक और आज भी हमने मैचिंग पहना है। वो गलती से मेरे को ठंडे से बचना था इसलिए मैंने जैकेट डाल ली, और मुझे टोपी चाहिए थी इसलिए मैंने ये पहना। हाँ, टोपी तो मेरी जैकेट में भी है। और बाकी पापा जा रहे हैं बाइक से और हम लोग जाएंगे ऑटो से, क्योंकि ट्रिपलिंग में नहीं जा सकते ना, इसलिए बाबू से हम मिलते हैं मेले में पहुँच कर। और ये रहा प्यारा सा डॉगी, जो कि उसके बच्चे उसका दूध पी रहे हैं, तो प्यारे लग रहे हैं। इनको देखकर बहुत बुरा लगता है, स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, इनको खाना दे देना चाहिए, लेकिन अभी हम खुद कुछ नहीं लाए हैं, हमको पता नहीं था ना। अब हम शाम को आएंगे। हाँ, यहाँ पर मेला लगाया करके हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बाकी हमने गूगल वगैरह में देखा कि सचमुच में मेला लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि अभी हमको यहाँ का ज़्यादा पता नहीं है बरेली का, तो शायद लगा होगा मेला, हर जगह ही दिख रहा था, है ना। हाँ, हम देख रहे थे गूगल में था, मतलब मेला लगा है यहाँ पर, और लोग उससे पूछ कर जाएंगे कि किस साइड को लगा। वैसे ऑटो वालों को तो पता रहता है कि कहाँ पर मेला लगा होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ का मेला देखने के लिए। 5 किलोमीटर है तो हम, हाँ 5 किलोमीटर बता रहा था मैप, अभी मैप का भरोसा भी नहीं करना चाहिए, खो जाते हैं। तो चलते हैं मेले में, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, है ना। चलते हैं। और ये रहा हमारा फाइटर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रेल की पटरियों के बीच में, हमें रेलवे स्टेशन में थोड़ा सा आगे। हमने यहाँ पर एक ट्रेन कैफ़े देखा जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, फिर हम वहाँ पर रुक गए, और मेरी दीदी और मेरे पापा भी रुके हुए हैं यहाँ पर। और ये रहे पापा। ये कौन सी जगह है? ये इज्जत नगर। इज्जत नगर है ना, वो बोर्ड में लिख रही है। हाँ, और यहाँ पर पापा और दीदी आ रहे हैं रेलवे लाइन में। ट्रेन आती तो वैसे भी आवाज़ आ जाती है जब ट्रेन आती है तो। और हम अभी हैं इज्जत नगर जंक्शन में, रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जंक्शन दूसरा है ना, जंक्शन। हाँ, उनको लग रहा है मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, वीडियो बना रही। हाँ, हम गए थे उत्तरायणी मेले में और यहाँ आगे रेलवे स्टेशन में ट्रेन कैफे देखने, और यहाँ पर आ चुकी है ट्रेन, मालगाड़ी है, पेट्रोल लेके जा रही है, पेट्रोल लेकर जा रही है। अच्छा, तो आज हमने देखी इतनी बड़ी मालगाड़ी।
हम दो मिनट की मालगाड़ी और हम जा रहे हैं आज रेल कैफे में, जो कि बाहर से दिखने में लग रहा है कि ट्रेन है लेकिन ये रेल कैफे है। पहले हमने सोचा कि ये ट्रेन है लेकिन ये है कैफे। हम जा रहे हैं यहाँ से रेल कैफे में। हाँ भाई अच्छा है ट्रेन के अंदर, वाओ मस्त है। सो अभी हम हैं ट्रेन के अंदर, वाकई बहुत अच्छा है ट्रेन कैफे। और ये था ट्रेन कैफे जिसके अंदर हम गए थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत हाँ अच्छा था। मिलता है, रेस्टोरेंट है, रेलवे का है ये। हाँ रेलवे वालों के लिए अच्छा है। और हम कोई भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, रेलवे हम भी जा सकते हैं। हाँ बाकी हम चलते हैं मेले में, चलो फोटो लेते हैं। तो हमने रेल कैफे भी घूम लिया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा था। अच्छा था। और बाकी मतलब जैसे देहरादून में नहीं एरोडाइन वैसे ही था। हाँ वैसे ही था। अब मैंने तो देखा नहीं एरोडाइन कैसा है देहरादून में, अभी मैं गई नहीं वहाँ पर। और अभी हम चलते हैं मेले में, उसका यूज हुआ है पुरानी चीज। हाँ वहाँ पर जो भी था। और अभी मैं जा रही हूँ पापा के साथ बाइक में रेलवे स्टेशन के पास से, बाकी वहाँ तक हम लोग ऑटो में आए थे ओवरब्रिज। और यहाँ पर हम लोग पूछ रहे रास्ता, तो अभी हम पहुँच चुके हैं मेले में, बरेली का उत्तरायणी मेला। मैं हम तो झुमके लेंगे बरेली का झुमका होगा ना मेले में। सो हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली के उत्तरायणी मेले में और यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम। आप लोग कहाँ से आए हो? पिथौरागढ़ से आए हो? सो गाइस यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं उत्तराखंड में और बागेश्वर का मेला घूम रही हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है ना, लग नहीं रहा कि हम बरेली में, जैसे बरेली यूपी में आता लेकिन यहाँ पर भी उत्तराखंड का कल्चर है जैसा कि आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है हमें। सो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो जिन्होंने दुकान लगाई है वो उत्तराखंड के लोग हैं, जैसे उत्तराखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, यहाँ पर दुकान लगाई हुई है उत्तराखंड वालों ने। जैसे कौसानी तो उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड वालों ने यहाँ पर मेला लगाया हुआ बरेली में, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरी उत्तरायणी मेले वाली वाइब आ रही है जैसे बागेश्वर में आती थी। लेकिन बागेश्वर वाले नहीं हैं यहाँ पर, सारे यूपी वाले ही हैं, तो फिर अच्छा है हमें भी मौका मिल गया यहाँ पर घूमने का मेला। और चारों धाम के पोस्टर लगे हुए हैं, जैसे ये रहा केदारनाथ और यहाँ वाले पोस्टर में बद्रीनाथ, ये रहे उत्तराखंड के चारों धाम। बाकी हम लोग घूमने में ही है। और ये रहे चरखे, सारे चरखे लगे हुए हैं यहाँ पर। अभी हम वहाँ पर है जहाँ पर बहुत सारे चरखे लगे हुए, लेकिन हम लोग चरखे में नहीं बैठते हैं, मतलब मैं तो कभी नहीं बैठती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बाकी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। डर लगेगा।
साल का मजा। यहाँ पर पापा सिबनगंज शूटिंग करेंगे, यहाँ पर निशाना लगाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे निशाने लगाए हैं जम्मू में, यहाँ पर क्या लगाऊँ? तो यहाँ पर क्या लगाओ यार, तो पापा ने लगाए ही नहीं निशाने। ये बना हुआ है पत्थर से, ये सारे पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर में उत्तराखंड की जितनी भी वादियाँ हैं, जितने भी मंदिर है वो दिख रहे हैं। है पिथौरागढ़ से आया, कुमाऊँ की नमकीन मिलती है यहाँ पर, और यहाँ पर पहाड़ी माल्टा और पहाड़ी नींबू भी आए हैं। ये फेमस मिठाई बाल मिठाई आई है। यूपी में कब से लगने लगे उत्तरायण मेला? पहले से ही लगता है। लगता है ना। बरेली के झुमके हम लोगों ने मेला घूम लिया है। कैसा लग रहा मेला? अच्छा है। अच्छा लगा था ना। और बाकी अभी हम जाते हैं घर, बाकी मेले में सारी चीजें आई थी तो अच्छा लगा। और हमने लिया तो कुछ भी नहीं, और हमने कुछ नहीं खरीदा। यहाँ से हम गुरपट्टी ले रहे हैं, हमारे बागेश्वर गुरपट्टी बोला जाता है, लेकिन बरेली में गुरपट्टी को बोलते हैं गचक, गचक बोलते हैं। हमारे बरेली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यहाँ पे गायों के लिए। हाँ, गायों के लिए अच्छा है ना, शायद बची हुई सब्जियाँ खा लेते हैं। और मेले में घूमने के बाद हम आ गए सब्जी मंडी, और मैंने हेलमेट पहना था तो मेरे बाल ऐसे खराब हो गए। बाकी यहाँ पर इतनी सारी ट्रक है, और ट्रक भर कर यहाँ पर से सब्जियाँ जाती हैं। और यहाँ पर 100 के 2.5 किलो से मिल रहे हैं। कितने रुपए के जी है? 50 का 1 kg या 2 kg? 50 के 2 kg फ्रूट। आज हमने मेले से कुछ नहीं खरीदा, लेकिन आज हमने सब्जी मंडी से सारे जितने भी यहाँ पर फ्रूट्स आए थे हमने ले लिए। आज सब्जी मंडी में जितने भी फ्रूट्स आए थे हमने ले लिए। हमने मेले से कुछ नहीं खरीदा, लेकिन सब्जी मंडी से हमने बहुत सारे फ्रूट्स खरीद लिए हैं। और आप लोग भी बरेली में रहते हो तो यहाँ पर जरूर आएं, और यहाँ पर गाय भी आते हैं। कहाँ गई गाय? मेरे को मारे ना। ये भी फ्रूट्स खाने के लिए आती है। ये कितने क्यूट पपी है। अच्छा, तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर। बाकी बहुत अच्छा मेला लगा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं बागेश्वर की नुमाइश या फिर कपकोट के किदारेश्वर में घूम रही हूँ। बस एक ही डिफरेंस था कि ऐसे पहचान वाला कोई भी नहीं मिला, बरेली वाले थे सारे, यूपी वाले थे। तो अच्छा लगा मेला। मैं सोच रही थी पहले कि इस बार उत्तरायणी नहीं देखा मैंने, लेकिन पापा ने मेरी वाली ख्वाहिश भी पूरा कर दी कि मैंने मेला देख लिया। बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।